वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बैलेंस बेसिक ट्रेडिंग कोर्स, बैलेंस ट्रेडिंग कोर्स या आप जिसे जो भी बोल लो, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था अपन ने। टॉपिक नंबर 3 पे मैंने आप लोगों को समझा दिया था ट्रेंड्स क्या होते हैं। आप अगर पूरी सीरीज नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो। अगर आप एक बिगनर हो तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि मैं जब एक बिगनर था तो मेरे को ये सब चीज़ें नहीं मिली थी। एंड दैट्स ऑल, टॉपिक नंबर 4 पे पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 4 का नाम है व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। एक बात बता दूं आप लोगों को, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। सी यार, मेरा अगस्त के लास्ट वीक में अच्छा खासा लॉस हुआ था, तो बस उसी को थोड़ा रिकवर करने के लिए, अपने साइकोलॉजी को थोड़ा, अपने आप को संभालने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया था। इस कारण से मैं कहीं पे फोकस नहीं था, सिर्फ एक ही जगह पे फोकस था कि मेरे को अभी अपने आप को रिकवर करना है। ओके, दैट्स व्हाई मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था। तो उसका रीज़न बता दिया मैंने क्या हुआ था, एंड मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस को जल्दी से जल्दी ड्रॉप करूँ, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 4 की तरफ, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो यार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड, इन तीनों को मिला के ही मैं सिर्फ ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को इसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। अगर मैं सिंपल ट्रेडिंग की बात करूँ ना, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को ट्रेंड समझा दिए क्या होते हैं। ट्रेंड्स 3 तरह के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइड वे, ठीक है। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाती है, डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आती है, साइड वे में मार्केट एक रेंज पे घूमती है, ठीक है। अब मैं अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा दूँ ना, तो विश्वास नहीं करोगे आप। मैं सिर्फ ये तीन चीज़ हैं तो भी मैं आराम से ट्रेडिंग कर सकता हूँ, एंड बेसिकली मैं ये 3 के अलावा कुछ नहीं यूज़ करता हूँ। सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड, दैट्स ऑल यू नीड, ठीक है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड, ठीक है। मैं इंट्राडे में इनके अलावा कुछ नहीं यूज़ करता हूँ, एंड सिंपल रखता हूँ सब चीज़ को। आप लोग मेरे चार्ट्स देखे होंगे कि मेरे चार्ट्स में कुछ रहते नहीं हैं, ठीक है। तो इनके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन तीनों को ही कंबाइन करके आगे वीडियो भी बना दूंगा कि मैं इन तीनों को कंबाइन करके कैसे एक ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है, एंड आप लोगों को भी सिखा दूंगा। ओके, सो बात कर ले सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। यार आप मेरे को एक बात बताओ, कोई स्टॉक है, मान के चलो स्टॉक का नाम ए है, ठीक है। ये स्टॉक यहाँ 300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ये 300 से उतरते 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 जीरो आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता ना। जीरो आ जाएगा तब तो क्या मतलब ना, सीधे ऐसे नीचे नहीं आ सकता ना। ओके, कहीं पे तो एक प्रॉपर लेवल होगा जहाँ पे जो बंदा यहाँ पे 300 पे नहीं लिया होगा, जो बंदा सोचा होगा कि ये वैल्यू, इस स्टॉक की इस वैल्यू 300 लायक नहीं होनी चाहिए, इस स्टॉक की वैल्यू 200 या 250 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बंदा उस लेवल का वेट करेगा ना, एंड वो कहलाएगा बायर, ओके, एंड बायर कहलाएगा सपोर्ट। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप कह सकते हो कि सपोर्ट मतलब होता है बायर्स, ओके। सपोर्ट मतलब क्या होता है? बायर्स, ठीक है। एक प्रॉपर लेवल जहां पे बाइंग हो, ओके, एक प्रॉपर लेवल जहां पे बाइंग हो, ओके, जहां पे बायर्स बैठे हों, जहां पे बायर्स अपने प्राइस का वेट कर रहे हों कि हाँ अब ये ठीक है, ये प्राइस एक वैल्यूएबल प्राइस है, मैं यहां पे बाय करूंगा, ओके। तो एक प्रॉपर लेवल जहां पे बाइंग हो, एंड सेम विद द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या होता है? सेलर्स होते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो बायर्स अपनी पोजीशंस होल्ड किए हैं वो इस प्रॉपर लेवल पे जाकर सेल कर रहे, ठीक है, यहाँ पे सेलर। अब देखो, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सब मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को क्या एम कर रहा हूँ, अपन 3 चीज कंबाइन करेंगे। 3 चीज क्या होंगी? 3 चीज होगी ट्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन तीनों को मिलाकर ही अपन एक ट्रेड लेना सीखें, ठीक है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस। सो मेरे को आप एक बात बताओ कि एक स्टॉक है, ठीक है, प्रॉपरली मान के चलो वो इस एक रेंज पे घूम रहा है, ठीक है, तो वो इस रेंज में घूम रहा है, तो चलो ठीक है। आप एक बात बताओ, आप इस एरिया को हटा दो, ठीक है, इस एरिया को हटा दो, आप यहाँ पे क्या मार्क करोगे जब ये एरिया बना, ठीक है। मैं इसी एरिया को यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ये एरिया बना एंड यहाँ से स्टॉक उठने लग गया, ठीक है, यहाँ से स्टॉक उठने लग गया, तो ये जो लेवल कहलाएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि जब प्राइस वापस से यहाँ आएगा तो अब आप देख पाओगे कि पिछली बार जब प्राइस यहाँ आया था तो यहाँ से एक रिएक्शन मिला, ठीक है, यहाँ से प्राइस उठा था, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सीधी लाइन खींचोगे। आप क्या बोलोगे उसको? सपोर्ट बोलोगे, कि यहाँ पे जब पिछली बार प्राइस आया था तो यहाँ से रिएक्शन हुआ था, ओके।
देन अगली बार जब प्राइस यहाँ पे आया फिर से रिएक्शन हुआ, यहाँ पे आप एंट्री ले लिए फिर से उठ गया ये, ठीक है। तो दैट इज नोन एज सपोर्ट, ये लेवल जो कहला जाएगा वो क्या कहला जाएगा, सपोर्ट, ठीक है। एंड आप सेम चीज उसको अपोजिट कर दो थोड़ा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अपन इस लेवल को ले लेते हैं, ठीक है, इस लेवल को कहीं और पे ले लेते हैं, मैं एक सेकेंड, ओके। तो अपन जो ये लेवल दिख रहा है इसको ले लेते हैं। अब आपने सेम चीज देखा, आपने सपोर्ट तो बना लिया, अब आप सेम चीज देख रहे हो कि ये प्राइस जब यहाँ पे जा रहा है, इस प्राइस पे जा रहा है, तो फिर से रिएक्शन हो रहा है, मतलब इस प्राइस पे इस जगह पे आने के बाद रिएक्शन हुआ, मार्केट यहाँ से गिर गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेम लेवल पे अपना एक रेजिस्टेंस बनाओगे कि जब जब प्राइस यहाँ आ रहा है यहाँ से रिएक्शन हो रहा है, ओके। सो सिंपल, दैट इज नोन एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। प्राइस इनके बीच में घूम रहा है, प्राइस अगर इसको तोड़ा तो दैट इज नोन एज ब्रेक डाउन, एंड प्राइस ऊपर वाले को तोड़ा तो दैट इज नोन एज ब्रेक आउट, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझ लेते, ठीक है। नीचे साइड के प्राइस को तोड़ा तो वो ब्रेक डाउन कहलाएगा, ऊपर साइड के प्राइस को तोड़ा तो वो ब्रेक आउट कहलाएगा, मतलब एक कंसोलिडेशन। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, चलो आप इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ये एक स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे घूम रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये स्टॉक क्या मूवमेंट दे रहा होगा, मुश्किल से कोई मान के चलो बड़ा वैल्यू का स्टॉक है, 2000 रुपये टोटल प्राइस है स्टॉक की, तो ये इतने में कम से कम मान के चलो 50 रुपये का मूवमेंट दे रहा होगा, 50 रुपये अप 50 रुपये डाउन, ठीक है, यही हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 50 रुपये अप 50 रुपये डाउन, 50 रुपये 50 रुपये डाउन, 50 रुपये 50 रुपये डाउन। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इस स्टॉक में बड़ी वो कब आएगी, क्या बोलते हैं, बड़ी मूवमेंट कब आएगी, अब इस स्टॉक में बड़ी मूवमेंट कब आएगी, ठीक है। अब भैया ये तो यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ तो नहीं आएगी ना, यहाँ तो 50 रुपये 50 रुपये डाउन, आप स्कैल्प कर सकते हो मैक्सिमम। बड़ी मूवमेंट कब आएगी, जब ये या तो अपना सपोर्ट तोड़ेगा या तो अपना रेजिस्टेंस तोड़ेगा, तो दैट इज नोन एज आप या तो ब्रेक आउट पे एंट्री लोगे या तो आप ब्रेक डाउन पे एंट्री लोगे। समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को, देखो यार, एक सपोर्ट हमेशा याद रखना, सपोर्ट ही नहीं रहता, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। यहां पर देखो आप लोग, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, ओके। ये स्टॉक है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा रफ हो गया, ये स्टॉक है, ठीक है। ये पहले आपका सपोर्ट था, ये पहले आपका रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये क्या था, सपोर्ट, ये क्या था, रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मान के चलो ये एक ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, एक बेरिश कैंडल बनी, एक ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया। तो ये लेवल भैया अब आपका सपोर्ट नहीं रह जाएगा, ये लेवल बन जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा बट मैं इसको और ईजी करता हूँ, ठीक है। ये लेवल टूटा तो ये लेवल अब सपोर्ट नहीं कहला जाएगा ना, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे जो सपोर्ट, यहाँ पे जो बायर्स थे हार गए, ओके, यहाँ पे जो बायर था वो हार गए, अब वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर लिए ना, तो ये लेवल जो है वो अब रेजिस्टेंस की तरह कहलाएगा। एंड अब बायर्स जो रहेंगे वो नेक्स्ट लेवल का वेट करेंगे कि मेरे को अब कहाँ बाइंग करनी, जैसे यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये लेवल ना रेजिस्टेंस का काम करेगा, ओके। अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, कैसे काम करेगा वो बताता हूँ, इसको फिर से एक बार मिटा लेता हूँ, ओके। यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अब ये स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ 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 घूमेगा। अब ये जब आप वापस यहाँ जाएगा ना, तो आपको 110% यहाँ से रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम ये यहाँ पे जो था, यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हुआ था, ओके। तो ये लेवल बन गया अब इनके लिए रेजिस्टेंस, अब यहाँ से मार्केट वापस गिर सकती है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो और थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको ब्रेकआउट में समझ के, ठीक है। हाँ, थोड़ा मिटा लेता हूँ, फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझो। एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, अब यहाँ से क्या हो रही है मार्केट, यहाँ से मार्केट मान के चलो वापस उठना चालू हुई, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया, क्या दे दिया, ब्रेकआउट, ठीक है। रेजिस्टेंस बन गया अब क्या, सपोर्ट, ये पहले आर था, अब ये बन गया है एस, आर मतलब रेजिस्टेंस, एस मतलब सपोर्ट, अब ये बन गया सपोर्ट, ठीक है। अब मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट अगर नीचे आती है ना, तो आपको पता है भैया कि यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था, ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम किया था उस टाइम, बट अब ये लेवल, हालांकि ये लेवल अब टूट चुका है, तो ये लेवल अब क्या काम करेगा, ये काम करेगा सपोर्ट का, ठीक है। तो ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से मार्केट वापस उठनी चालू हो जाएगी। समझ में आए, फिर से क्लियर कर देता हूँ एक चीज़ को और,
ठीक है, ध्यान से सुन लो, प्यार से समझा रहा हूँ, सिर्फ फिर से समझ लो, ठीक है। सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट टूटा, अब ये बन जाएगा रेजिस्टेंस, क्लियर हुआ, ठीक है। ये बन जाएगा रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर आई, फिर से अगर इसको तोड़ के ऊपर चले गई तो वो ये वापस से बन जाएगा सपोर्ट, इसके वापस से आएगी सपोर्ट ले ली। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको सिंपल करके समझो। आई नो आप बिगनर हो गए, आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, मेरे को भी होती थी, ठीक है। देखो भाई, सब पेट से सीख के नहीं आते, यहीं पे सब सीखते हैं, ओके। तो सिंपल रखो सब चीज़ को, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट नहीं होती, दूर से देख के सीखोगे, दूर से देखोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, धीरे धीरे अंदर घुसोगे ना तो हलवा लगने लगेगा, ठीक है। मैं जब बताऊंगा ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड से कैसे ट्रेडिंग करोगे तो हिल जाओगे, ठीक है। लोगों की तरह ना मत बनो, अपना खुद एक सेटअप बनाओ, ठीक है, यही बोलता हूँ। हालांकि फालतू बातों को हटाओ, फिर से एक चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, सपोर्ट में क्लियर कर दिया, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, अब ये रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट आके उठ सकती है, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर अब धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाता भैया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कैंडल्स क्या रिएक्शन करती है, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल को अपन नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर लेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल क्या होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल को नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर लेंगे, दैट इज नोन एज टॉपिक नंबर 5, जिसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि क्या, कि स्ट्रेंथ कैसे पहचानी जाती है एक कैंडल की, व्हाट इज बुलिश कैंडल, व्हाट इज बेरिश कैंडल, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, सब कुछ नेक्स्ट टॉपिक में समझा दूंगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको टॉपिक 4 का वाला वीडियो चाहिए, कौन सा वीडियो, आपको अगर टॉपिक 4 का चार्ट वाला वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट बता देना कि हाँ भाई मेरे को चार्ट वाला वीडियो चाहिए, तभी मैं उसमें मेहनत करूंगा। अगर आप लोग बोर्ड में कंफर्टेबल हो तो ठीक है, वरना चार्ट वाली सीरीज को खत्म कर देंगे, बोर्ड में ही कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ग्लांस में एक बार और बता देता हूँ, सपोर्ट मतलब होता है बायर्स, रेजिस्टेंस मतलब होते हैं सेलर्स। एक स्टॉक अगर प्राइस में घूम रहा होगा, देखो कोई स्टॉक ऐसे नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। एक लेवल आएगा जहां पे बाइंग होगी, एक लेवल आएगा जहां पे सेलिंग होगी, सेम कोई स्टॉक ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट्स में कैसे बनाते हैं। अगर आपको समझना होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता दो, एंड कुछ भी अगर ऊपर नीचे कुछ लग रहा हो तो मेरे को बता सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, बाय बाय।